कोई नहीं चलो सर वीडियो अब कमेटी में लग गया और मैंने कुछ और आएगा अब कमेटी वाले को सोच रहा हूँ मास्क किए मेरे को इसको जी सर अपना नाम बताइए केशव शर्मा अच्छा सर जैसे स्वच्छ भारत अभियान का यहाँ मुहिम चलाई गई खीरी में उसके बारे में आपका क्या कहना है मेरा कहना यह है कि इस अभियान से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हर आदमी में जागृति आई है कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है कि सफाई से हमें कितने लाभ मिलते हैं और सफाई सबके लिए एक अच्छा काम है हाँ जी सर आपका नाम विपुल कुमार अच्छा सर जैसे आज कैडबरी वालों ने भारत स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया उसके बारे में आपका क्या कहना है हम तो ये चाहते हैं कि कैडबरी की तरह हर कोई इंसान ऐसा हो जो अपने देश को स्वच्छ रख सके अपने पास पड़ोस में उनको ये मैसेज देना चाहिए कि जैसे आप लोग ये संदेशा दे रहे हैं उदाहरण के तौर पर जैसे आपने ये किया तो मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी शिमला में ये शिमला वासी हैं सबको ऐसा ही एक अभियान हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो एक दिन संडे के संडे चलाना चाहिए सर आप खुद भी करते हैं सफाई अभियान हम भी खुद भी करते हैं हाँ जी सर बोलो आप स्टार्ट हम शपथ लेते हैं हम सब अपने घर पड़ोस मार्केट सब जगह अपने पर्यावरण को साफ रखेंगे और स्वस्थ जिएंगे जी सर मेरा नाम मनीष है मैं मॉन्डलीज इंडिया फूड्स लिमिटेड कैडबरीज के साथ अपनी पूरी टीम के साथ आज यहाँ पर आया हूँ हमारा आज का यहाँ आने का मकसद ये है कि हम एक जो सफाई अभियान चल रहा है उसका आगाज़ शिमला में भी करें यहाँ पे कई और लोग पहले कई संस्थाएं कर चुकी हैं पर निजी तौर पे हम अपने टीम के साथ यहाँ पे आए हैं हमारे यहाँ पे जो ये आज की एक्टिविटी है 1 बजे शुरू की हमने और 2 बजे तक हमने खलीनी में शुरू किया यहाँ पे जो हमारा ये कार्यक्रम था इसमें हम 7 लोगों की टीम जिसमें प्रकाश अमित राजकुमार मोहन राजेश और विजेंद्र हैं हमारे यहाँ इकट्ठे होने का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था वो ये है कि हम सभी को एक मैसेज कन्वे करें कि हम अपने आसपास के और घर के और आसपास के पर्यावरण को साफ रखें अगर हम स्वस्थ पर्यावरण में जिएंगे तो हम स्वच्छ जीवन जी सकते हैं ये हमारा मैसेज था आज का कि कीप योर सिटी क्लीन थ्रो द वेस्ट इन डस्टबिन हमने सड़क पर चलते लोगों को दुकान पे खड़े लोगों को दुकान के अंदर जाके लोगों को ये मैसेज दिया कि कृपया कूड़ेदान का इस्तेमाल करें और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें पर्यावरण स्वच्छ रखने से ना ही सिर्फ वो स्वच्छ सांस लेंगे बल्कि जो उनके आसपास के लोग हैं वो भी स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे सर आने वाले टाइम में और करेंगे कुछ आप बिल्कुल आज जो है इस चीज़ का आगाज़ किया है ये हमारे लिए इनिशिएट है हम चाहेंगे कि इसको हम और आगे बढ़ाएं और अलग अलग मार्केट में जाएं आज हम खलीनी में हैं कल हम मॉल रोड पर जाएं परसों हम समर हिल में जाएं हम चाहते हैं कि हम इसको और लोगों को जागरूक करें ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहने वाला हम आने वाले समय में स्कूल्स के आगे जाके बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है तो उनको हम प्रेरित करने के लिए वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में बस स्टैंड्स पे रेलवे स्टेशन पे ये एक्टिविटीज़ करेंगे और मैं चाहूँगा कि मेरी टीम और हम सब नगरवासी जो हैं वो हमें इस चीज़ के लिए सहयोग दें ठीक सर जैसे यहाँ पे स्वच्छ अभियान चलता है शिमला में कई जगह लोग आग लगा देते कूड़े पे उसके बारे में आपका क्या कहना है हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए तो कूड़े में आग लगाना उसको सही तरीके से डिस्ट्रॉय करो उसको डस्टबिन में डालिए आप उसको आग मत लगाइए उसको कूड़ेदान में ही डालिए